दोस्तों सृष्टि जी ने जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं जो कि मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा। या निष्पक्ष होकर के मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर सृष्टि दी क्या सच में सही है? वो जो सच सच बोल करके अभी तक कुछ नहीं बोली है, वास्तव में क्या वो कुछ छिपा रही है या उन्हें बोलना चाहिए कैमरे पर आकर के? मेरे पास कुछ 3 ऐसे क्वेश्चन है जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है उनके वीडियो को जब मैंने देखा, जब समझा, तो मुझे 3 तरह के क्वेश्चन दिखाई दिए और मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो वो 3 क्वेश्चन को क्लियर करे। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है, मैं पब्लिक से भी पूछना चाहूंगा, अगर आप भी इसका आंसर देना चाहे तो नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सरिता दी या जेठू भैया की तरफ से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ और मैं ऐसा मतलब कि ऑब्जर्व किया मैंने कि ये 3 क्वेश्चन तो अराइज हो ही रहे हैं, आखिर 3 क्वेश्चन का आंसर उन्हें देने में क्या दिक्कत हो रही है। उसके बाद हम अभी जस्ट अंकुश जी का वीडियो आया और उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर अंकुश सक्सेना के वीडियो आते ही बहुत ही साथ ही साथ जिस तरीके से सृष्टि दीदी ने रिप्लाई किया है, उन्होंने रिएक्शन दिया है, जिस तरीके से वो खुल करके सामने आई है, उतना खुल करके वो उस वक्त क्यों नहीं बोल पाई जब उनकी बेइज्जती की गई? अगर कमरे में सरिता दीदी ने सृष्टि दीदी का अपमान किया है तो सृष्टि दीदी जिस तरीके से अभी खुलकर ऐसे मतलब ऐसे बैठी हुई थी जैसे अंकुश का वीडियो आया और वो जंप कर गई, लपक गई उस चीज़ पर, उस वक्त वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई? ये पहला क्वेश्चन है, उनको ऐसा करना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने ये देखा कि ये बताया गया कि सरिता दीदी के मिलियंस ऑफ फॉलोवर यानी सब्सक्राइबर होने वाले थे, तो उन्होंने सचिन जी को सप्रेस करने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया, उनको जलील करने की कोशिश की गई, ऐसा माना जाता है। और पब्लिक भी बात कर रही है और उन्होंने भी बताया कि उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और हमारे थोड़े कम थे। अब कम कितने थे? करीब 6 लाख के आसपास उनके भी सब्सक्राइबर्स थे। ऐसे में उन्होंने क्या किया, अपने 1 मिलियन का रुतबा दिखाया और सचिन जी पर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की। अगर ये सही है तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सृष्टि दीदी का जो सब्सक्राइबर है वो करीब 21 लाख का है, यानी 21 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और सरिता दीदी का जो सब्सक्राइबर है वो है करीब 15 लाख, यानी अभी रिसेंट में 15.9 लाख का है, और सृष्टि दीदी का है 21.3 लाख का, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब का। अब आप ऐसे अंदाज़ा लगाओ कि अगर सरिता दीदी के सब्सक्राइबर 1 मिलियन थे और उन्होंने 6 लाख वाले सब्सक्राइबर वाले सचिन जी को अपमानित किया है, तो आपको क्या लगता है कमरे के अंदर 21 लाख सब्सक्राइबर वाली सृष्टि दीदी 15 लाख सब्सक्राइबर वाली सरिता दीदी की बात सुन पाती? क्या वो रिएक्ट नहीं करती? वहाँ तो उल्टा होना चाहिए था, वहाँ तो सृष्टि दीदी को धौस जमाना चाहिए था, किस पर? सरिता दीदी पर। बात उल्टा आ रहा है, सरिता दीदी ने अगर सृष्टि दीदी को बोला, यानी समझो अगर कोई छोटा इंसान सब्सक्राइबर के बेस पर अगर कोई छोटा इंसान बड़े को डांटता है तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़े की गलती है, और ये चीज़ें छिपाई जा रही है खुलकर आकर के चिल्लाने से, ये मायने नहीं रखता। कहीं ना कहीं तथ्यों पर आधारित मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन के दोनों तथ्यों पर आधारित थे। आपको पता है कि जो सृष्टि दीदी अचानक तुरंत आगे रिएक्शन देने के लिए अंकुश सक्सेना पर, उन्होंने सरिता दीदी पर रिएक्शन क्यों नहीं दिया और उस वक्त रोते हुए क्यों निकल गई जबकि उनको बोलते हुए निकलना चाहिए था? ये जेन्युइन क्वेश्चन था। दूसरा जेन्युइन क्वेश्चन मैंने ये कहा कि सृष्टि दीदी का सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा है सरिता दीदी से, फिर भी वो क्यों चुप रह गई? बात में दम तो है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि फिर भी कुछ ना कुछ इशू रहा होगा, और ऐसे में अगर सृष्टि दीदी वहाँ पर अपमानित फील की है, ऐसे में अगर सचिन भैया भी वहाँ पर अपमानित फील किए हैं, तो वो रुके क्यों एक दिन एक्स्ट्रा? उन्हें तो साथ ही साथ निकलना चाहिए। अगर वो रुके हैं एक दिन एक्स्ट्रा तो कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन और अराइज हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन ये अराइज हो रहे हैं कि या तो उनका अपना इज्जत नहीं था, अपनी मान सम्मान नहीं था, तभी वो रुके। अगर मान सम्मान होता तो निकल जाते। अगर मान लो कि मान सम्मान है फिर भी मजबूरी में रुके, तो कोई ना कोई शख्स ऐसा होगा जो वहाँ पर रुका हुआ होगा और उस शख्स के वजह से वो वहाँ पर रुके होंगे। तो फिर वो तीसरा शख्स कौन है? बार बार ये तीसरा शख्स निकल के कहाँ से आ जा रहा है भाई? और ये तीसरा शख्स सामने क्यों नहीं आ रहा? कमरे में वो शख्स कौन था? अगर ये रुके हुए हैं किसी के वजह से तो फिर वो कौन शख्स है? उनको भी तो होना चाहिए ना, आप समझो, उनको भी बोलना चाहिए। ये तो खैर रहा मेरे 3 क्वेश्चन, और 3 जेन्युइन क्वेश्चन है। आप जरूर इसका रिप्लाई कीजिएगा। अगर सृष्टि दीदी ये वीडियो देख रही है तो दीदी आप भी जरूर रिप्लाई करना। अब मैं आता हूँ अंकुश सक्सेना जी के फैसले पर। देखो अंकुश, हर किसी के सब्सक्राइबर है, हर किसी के चाहने वाले हैं। यहाँ सृष्टि दीदी के ऐसे रिप्लाई की वजह से अंकुश सक्सेना जी ने जो आज फैसला लिया है,
कि नहीं अब मैं किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाऊंगा और ना ही मैं जाऊंगा, हाँ अगर टाइम हुआ तो ज़रूर जाऊंगा। उन्होंने इतना ज़रूर कहा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लिया है, ना तो अब किसी प्रोग्राम में मैं किसी को बुलाऊंगा और ना ही किसी प्रोग्राम में मैं जाऊंगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो परेशानियों से बचते हुए, यानी कि परेशानियों से बचते नहीं, उसको टैग करते हुए, बोलते हैं ना कि डॉज करते हुए आगे आए हैं। ये मुझे उनका फैसला बहुत अच्छा लगा कि ना ही आप किसी प्रॉब्लम्स को बुलाओ और ना ही आप कंट्रोवर्सी में पड़ो। बहुत अच्छा फैसला लगा और ऐतिहासिक फैसला लगा। अब यहाँ पर अंकुश सक्सेना का एक और नाम जुड़ेगा। बोलते हैं ना कि सचिन भैया वो पहले इंसान थे जिन्होंने सभी सब्सक्राइबर्स को बुलाना शुरू, सभी मतलब यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना शुरू किया, तो यहाँ पर अंकुश सक्सेना ऐसे पहले इंसान आ गए जिन्होंने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि ना तो मैं किसी को बुलाऊंगा और ना ही जाऊंगा, जब मेरी इच्छा होगी टाइम होगा तो जाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब जो अंकुश सक्सेना जी को चाहने वाले इंसान थे, जो उनके सब्सक्राइबर्स थे, अब उनकी इच्छा क्या रहेगी, काश मिलते। लेकिन अब कहीं ना कहीं सृष्टि दी वो कारण बन गई जिसके वजह से वो अंकुश सक्सेना से नहीं मिल सकते। ऐसे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अंकुश सक्सेना को अपने इस बात पर थोड़ा सा विचार करके इसको मॉडिफाई करना चाहिए, और ये मॉडिफाई करना चाहिए कि जो लोग अब तक किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, उन लोगों को उन लोगों के घर ना तो जाना है ना बुलाना है। लेकिन अब तक जो लोग बिल्कुल निष्पक्ष है, अब तक जो भी इंसान कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे हैं, जो बहुत साफ सुथरे हैं छवि वाले, उनके घर उन्हें जाना चाहिए और उनको बुलाना भी चाहिए। ये थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को देख करके अच्छे इंसान के साथ बुरा हो जाना या अपने चाहने वालों के साथ गलत कर देना, ये भी कहीं ना कहीं उनके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और इसलिए ये सारी चीज़ें सोचते हुए मुझे बस तीन ही बात कहना है। पहली बात कि जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह किया, तीनों क्वेश्चन को अगर आप भूल गए हो तो रिवाइंड करके देखो वीडियो को, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। कमेंट करने से पहले भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इन तीन जेन्युइन क्वेश्चन के बारे में सोचना जरूर। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अंकुश सक्सेना जी को थोड़ा सा अपने ये जो उन्होंने फैसला लिया है उस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए, वो मतलब टिके रहे उस पर लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे। और तीसरा क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जो भी तीसरी महिलाएँ या जो भी महिलाएँ थी उस कमरे में, या तो वो खुल करके सामने आए या फिर वो इतनी ही ज़्यादा अगर प्रभावशाली है तो सभी को बोल करके ये मामला को ख़त्म कर दें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं रिश्तों के रॉक स्टार के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।